रस्त्यावर येऊनच काम करून घ्यावं लागेल. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं युसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव. आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर. दोस्तों, तीन दिन से लगातार वसई प्रांत कार्यालय में श्रमजीवी संगठन का जो पड़ाव महापड़ाव पड़ा हुआ है उसकी हम कवरेज कर रहे हैं, खबरें आपको दिखा रहे हैं. आज हम ग्राउंड पर नहीं जा सके और ग्राउंड रिपोर्टिंग खुद नहीं जाकर कर पाए, लेकिन आज की अपडेट जो है वो हम आपको दिखाने आए हैं. आज इस महापड़ाव का हिस्सा बनने वसई के पूर्व विधायक और वर्तमान में आदिवासी आढ़ावा समिति के चेयरमैन अध्यक्ष, जिनको कि राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, ऐसे विवेक भाऊ पंडित जो कि इस श्रमजीवी संगठन के संस्थापक भी है, वो आज प्रांत कार्यालय में आए. उन्होंने वहां बैठे आंदोलनकारियों से, महापड़ाव डाले हुए लोगों से संवाद साधा. कल के वीडियो में भी हमने सुनाया था आपको, उन्होंने फोन के जरिए बात की थी. आज उन्होंने 1-to-1 सीधे प्रांत कार्यालय से शाम के समय वो आए और उन्होंने इन आंदोलनकारियों को संबोधित किया. काफी संक्षेप में 3-4 मिनट की उनकी भाषा में उन्हें काफी बड़ी बात कही. उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप आगे वीडियो में सुनिए, उसके बाद हम अपने इस वीडियो को थोड़ा उनके भाषण की थोड़ी विवेचना करेंगे. चौथी रात्र आहे, चार रात्री या ठिकाणी आज मला वाईट वाटतंय की मी तुमच्या बरोबर नाही. खरं म्हणजे मी सुद्धा तुमच्या बरोबर येऊन बसायला पाहिजे. सध्या सरकारने माझ्यावर एक जबाबदारी टाकली आहे. सरकारच्या एका समितीचा मी अध्यक्ष आहे आणि त्यामुळे तुमच्या बरोबर मी अजून रस्त्यावर आलेलो नाही, अजून पण येणार नाही असं नाही. माझं काम अध्यक्ष म्हणून मी आता करून जातोय. मला तुम्हाला जाहीरपणे हे सांगायचं आहे की सरकारने माझ्यावर ज्या आढावा समितीची जबाबदारी टाकलेली आहे त्या जबाबदारीमध्ये मी अपयशी ठरलेलो आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून काम करून घेऊ शकत नाही. तुम्हाला भिवंडीला आपल्या कातकरी लोकांच्यावर खूप अन्याय झालेला आहे, ते काम मी करतो आहे. जर ते काम माझ्या हातात नसतं तर मी आढावा समितीचा मंत्री दर्जाचा अध्यक्ष असून सुद्धा तुमच्या बरोबर या ठिकाणी बसलो असतो. फक्त मी तुम्हाला एवढं सांगतोय की तुम्हाला तुमचा हक्क लढल्याशिवाय मिळणार नाही. सरकारने, सरकारचे मुख्यमंत्री ज्यावेळेला देवेंद्र फडणवीस होते त्यावेळेला जो मोर्चा काढला, त्यानंतर वारंवार पत्रकं काढलेली आहेत, पण या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि बाकीचे अधिकारी ते पत्रकं जुमानत नाहीत ही आजची वस्तुस्थिती आहे, हे मी तुम्हाला जाहीरपणे सांगतो. आणि ते जर करायचं असेल तर मी अपुरा आहे, म्हणून मी तुमच्या बरोबर थांबू शकत नाही. तुमची माफी मागतो आणि मला भिवंडीला जाऊ द्या. तुमचा लढा तुम्ही असाच चालू ठेवा, मी तुमचा लढा संपवा असं सांगण्याच्या स्थितीमध्ये नाही. कळलं तुम्हाला? हो. कळलं तुम्हाला? हो. तुम्हाला लढायचं आहे का घरी जायचं आहे? लढायचं आहे. शांतपणे. हो. मग तुम्हाला अधिकार दिलाय भारताच्या राज्यघटनेने, विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा तुम्हाला अधिकार दिलेला आहे. ती कुणाचीही मेहरबानी नाही. तुम्ही हातात शस्त्र न घेता लढतात असेच लढत राहा आणि जिंका. मी तुमच्या बरोबर आहे, गरज वाटली तर तुमच्या बरोबर रस्त्यावर मी उद्या सुद्धा येऊन बसेन, एवढंच सांगतो आणि जातो. धन्यवाद भाऊ.
आपल्याला सर्वांना लक्षात आलं असेल की आपल्याला हे आंदोलन संपवायचं नाही, हे आंदोलन आपलं असंच सुरू राहणार आहे. लक्षात घ्या की ज्या पद्धतीने तो आपने सुना आदिवासी आढ़ावा समिति के चेयरमैन विवेक भाव पंडित ने क्या कुछ कहा. अब इनके इस बयान के कई मायने यहां निकाले जा सकते हैं. एक मायना ऐसा है कि जो शख्सियत, जो व्यक्ति इस समय सरकार का हिस्सा है, वह खुद यह बात इकरार कर रहा है कि मैं सरकार में रहकर भी आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं. ये अधिकारी जो है वो सुन नहीं रहे और मैं इसके लिए अपयशी, उन्होंने मराठी वर्ड अपयश का वहां पर उपयोग किया है कि मैं अपयशी हुआ हूं, यानी मैं फेल हुआ हूं. तो इस समय जो हमारा प्रशासन काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है कि एक सरकार में शामिल एक बड़े दर्जे के नेता इस तरह से बयान पब्लिकली दे रहे हैं. दूसरी बात, विवेक भाव पंडित ने यहां तक कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी, आपने सुनाई है कि मेरे पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने दी हुई है और अभी दूसरे क्षेत्र में भिवंडी में वहां के शेतकरी कातकरी लोगों को कुछ उनके साथ अन्याय हो रहा है तो मैं वहां बिजी हूं, आपके साथ में पिछले 3 दिनों से नहीं आ पाया, लेकिन मैं रस्ते पर नहीं उतरा इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपके साथ नहीं हूं. मैं आपके साथ ही हूं और जरूरत पड़ी तो मैं भी रस्ते पर उतरूंगा आपके साथ. एक उन्होंने यह बात कही. इसके आगे विवेक पंडित ने एक बात यह भी कही कि आपको अपना हक लेने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, जमीन पर उतरना ही पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं ये एक विवेक भाव पंडित ने एक सीधा सीधा संदेश दिया है कि इस समय सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के, अपनी कुर्सी के मोह माया में फंसे हुए हैं. उनको अपनी कुर्सी के सिवाय कुछ दिखता नहीं है और खासकर गरीब और कमजोर तबके के लोग के लिए ये लोग किसी तरह की कोई, किसी के मन में कोई भावना नहीं है. तो ये आंदोलन महापड़ाव पिछले 4 दिनों से शुरू है. हम लगातार इस महापड़ाव के ऊपर खबरें बना रहे हैं. आपने देखी है इन खबरों को और भी आप आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और खबर को जितना हो सके शेयर कीजिए. क्योंकि आज ये लोग रोड पर है, कल इसी तरह से बाकी लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा अपने काम करवाने के लिए. क्योंकि सरकार में बैठे लोग जो है, प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनको जमीन के लोगों से कोई लेना देना नहीं है. पिछले 3 दिनों से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं. आज 4थे दिन इन्होंने वहां और भी कुछ चीजें लाई जो आप तस्वीरों में, विजुअल में देख सकते हैं. इन्होंने कल तक इन्होंने खाना पकाने का सामान लाए थे, इनकी रातें गुजर रही, हमने आपको दिखाया है आगे की वीडियो में. आज इन्होंने वहां अपने पालतू मवेशी बकरे और इस तरह के जानवर वहां लाए हैं. तो कहीं ना कहीं ये जो महापड़ाव है, ये महापड़ाव फिलहाल यहां खत्म होते दिखाई नहीं दे रहा है. अब प्रशासन की इस पर क्या भूमिका रहेगी, यह सवाल पहले दिन से वहीं के वहीं खड़ा है. क्यों नहीं प्रशासन ने अब तक काम किया और अब भी प्रशासन कहां चूक रहा है, क्यों इनके काम जल्दी नहीं हो रहे, एक सवाल बड़ा है. तो रुकते हैं अभी के लिए, आज के लिए यहीं पे. और फिर से एक बार कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर कीजिए, खबर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.